ये जी प्लेट भर गई 10 बच्चों की, इतना सारा गोश्त। से भूत का हाथ हो और उसके अंदर से कपास निकाल रही हो, खा जाऊंगा। यार ये अपने ना कॉकटेल की ब्रीड दिखा रहे हैं यार, कितना प्यारा बच्चा यार, ये 4 बच्चे निकले हुए हैं इनके। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो यार आज हम अपने फार्म के रहना एक चीज लेने जा रहे हैं, वो चीज है कॉकटेल। मैंने सोचा पहले बता दूं, फिर एक सब्सक्राइबर ने कहा यार आपने अपने फार्म पर कॉकटेल ले आओ। तो यार आज हम कॉकटेल लेने जा रहे हैं, एक भाई से बात होगी, उनके फार्म पर जाएंगे, वहां से कॉकटेल लेंगे, कॉकटेल पसंद करेंगे, अपने घर लेकेंगे, अपने फार्म पर रहेंगे। यार ये मैं कुछ चीजें ले आया हूं यार, अपने रैबिट्स को डालते क्योंकि यार इनके बच्चे भूखे होंगे, तो ये अपने बच्चों को ताकि फीड वगैरह रखना। देखा यही फीमेल सबसे ज्यादा भूखी होती है हमारी, क्यों देखे माशाल्लाह ठहर भी जाती है आप तो। ये जब खाती थी ना बहुत ज्यादा, बच्चे नहीं देती थी उस वक्त, ठहर नहीं सकती थी, देखें यार भूखी है, तो इसको यार खिला देते हैं ताकि अपने बच्चों को दूध वगैरह पिलाए। आ जाओ यार, ये एक रोटी मैं लाया हूँ अभी अभी, ये फ्रेश बनवाई है मैंने रोटी अपने बांस के लिए, और ये अभी अभी ले आया हूँ। सब लड़ना नहीं है, देखें यार लड़ पड़े ना, अब ये बैठ के पिलाए अपने बच्चों को दूध, और हम जा रहे हैं दूध की तरह व्हाइट व्हाइट कॉकटेल लेने। यार मुझे अपने बजीज की समझ नहीं आती गाइस, ये ना मेरे कोयल के मैदान में खेलते रहते हैं यार, ये तो कोयल के लिए बनाया था ना, देखा पूरा उजाड़ दिया इन्होंने। तो यार गाइस कल मुझे बड़ी हैरानी हुई है यार, 6 बच्चे थे रैबिट के और 10 कैसे हो गए, हाउ इज इट पॉसिबल यार। इनमें से यानी कि 2 फीमेल्स हैं जो इसी मटके की मदर हैं, बाकी जो एक रैबिट है ना वो यहाँ पर घर बनाई पड़ा है। इसका घर देख लेते हैं, कल मैंने इसे बहुत सारा नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया था, सेट कर लिए। देखे यार माशाल्लाह कितना सारा इसका घर बनना पड़ेगा, ये देखें आई है नरम और मुलायम टाइम। अब बस इसने इसके ऊपर अपनी फर रखनी है और बच्चे दे देने हैं, दे दोगे ना? इधर कान में बात सुनो, रोटी मैं ले आया हूँ वो खा लो, वो सारे खा जाएंगे, जल्दी करो। ये इसको मैं अब कान में कह दिया, अब उम्मीद है कि ये खा लेगा। यार रोटी उन्हें खिलाते जा रही है और खुद बैठ के आलू के छिलके खा रहे हो, भाई आलू में जब कोई ताकत नहीं है तो आलू के छिलके में क्या होगी। आपको क्या चीज़ दरकार है? शाबाश, तब तक ये बाप से लेके खाएगा, देख रहे हैं आराम से झूले भी झूल रहे हैं, बाप खिला रहे हैं, नरम गिजा है, मजे से बैठे है, खा रहे पी रहे ऐश कर रहे हैं। हाय लंबा हो गया, तब हम इसे अलग कर लेंगे ना, फिर इसके सर पर जिम्मेदारी पड़ेगी, अभी तो आराम से बैठ के खा रहे, कोई टेंशन ही नहीं है। देखा यार कान में बात करने का फायदा हुआ, ये देखें खा रही है बैठ के, और चुन्नू भी खा रहे हैं, चुन्नू को देखे कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। गाइस अब हम चेक कर लेते हैं बेबी बनी, वो देखें वो एक बनी नजर आ रहा है यार, वो देखो यार गाइस, वो देखो एक बनी वो पड़ा हुआ है यहीं से नजर आ रहा है, और इसका मतलब सारे बनी ठीक है, जब एक ठीक होता है ना तो एक यही देखे, एक यहाँ से पड़ा हुआ है, वो देखे वो रहा। यार ये चींटी कहाँ से आई है? यार गाइस चींटी का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा एक्सपायर हो जाए ना तब चींटियाँ आती हैं, एक चींटी आई हुई है यार, फौरन ही बच्चे देखने पड़ेंगे हमें। यार गाइस मैंने अपना कॉकटेल लेने जाना, लेकिन पहले बच्चे देखने पड़ेंगे क्योंकि यार इसके अंदर से आपने देखा चींटी निकल रही थी, यहाँ पटल है ये देखिए, और यहाँ पर भी चींटियाँ फिर रही हैं। यार गाइस फौरन चेक करने पड़ेंगे यार बच्चे हमें, दुआ करो यार सारे बच्चे हमारे ठीक हों। यार मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि बच्चे निकल आए। ओ माशाल्लाह यार इतना बड़ा हुआ पड़ा गाइस, ये देखें यार मेरे हाथ में पूरा आया माशाल्लाह, इतना बड़ा हुआ पड़ा था ये बच्चा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और मेरे ख्याल में यार ये बच्चा हमारे पास ना ब्राउन बच्चा निकला है हमारा, ऐसे ना हमारा नहीं यार हमारे रैबिट का, मेरे ख्याल में यार ये ब्राउन बच्चा है। यार भागो यार तुम्हें, मेरी टेंशन हो जाती है कि हमारे बच्चे को क्या कर रहे हैं। ये दूसरा बच्चा मेरे हाथ में आ चुका है, ये मेरे ख्याल में छोटे बच्चों में से है, और ये है बच्चा वाइट हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट बच्चे को, और नेक्स्ट बच्चा, यार दुआ करो यार सारे बच्चे ठीक हो। चींटी का मुझे डर लग रहा है कि यार कैसी हो, क्यों गई अंदर, गई तो गई क्यों, चींटी क्या काम क्या था अंदर। ओ यार बच्चा है काफ़ी मोटा मेरे हाथ में आ रहा है, लेकिन आ नहीं पा रहा। ओए माशाल्लाह ये भी ब्राउन है यार गाइस, ये देखो यार ये ब्राउन और वाइट है, ये बिल्कुल मेल की तरह है। यार हमारा मेल भी ऐसे है, आगे से ब्राउन है थोड़ा सा उस साइड से, और यहाँ इस साइड से पूरा ब्राउन है, उधर से वो देखें वो वाइट है वहाँ से, और ये भी ऐसे ही निकले तकरीबन, लेकिन ये दोनों साइड से वाइट है, इधर उधर से ब्राउन है। 3 बच्चे निकाले हैं, ये छोटे वालों में से हैं क्योंकि यार हमारी एक फीमेल 6 दिए थे ना पहले, और उसके बाद एक फीमेल इसी मटके में 4 दे दिए थे, तो ये मेरे ख्याल में उन 4 में से, और ये जो है ना ये बड़े 6 वालों में से है। नेक्स्ट बच्चे और मेरे ख्याल में यार ये बेजान है कि जानदार है, जानदार है, ये वाइट रेड है इस बच्चे है, ये भी उनमें से है यार, ये छोटे बच्चों में से है मेरे ख्याल में। भागो यार देख रहे हो, ये टेंशन ले रही है यार, जो देखें जा ही नहीं रही, वो कहती है मेरे बच्चों के साथ खेल रहा है और मुझे आने नहीं दे रहा। अब तक हमने 5 बच्चे निकाले और 5 बच्चे 5 के 5 ठीक हैं, ये देखें ये इसी मेरे का घर है। नेक्स्ट को देख लेते हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करो यार सारे के सारे ठीक हो, मुझे टेंशन हो रही है यार। आ गया माशाल्लाह यार, इसको देखो कितना प्यारा हो गया यार, गाइस देखें इसको कितना प्यारा हुआ पड़ा यार। यार ऐसा लगता है लच्छा है, लच्छा लच्छा खाते हैं ना आप लोग, मैं भी खाता होता हूँ, अभी भी खाता हूँ यार, कहते हैं बच्चे खाते होते, लेकिन मैं खा लेता हूँ गाल सीधी। बच्चे देख लेते हैं कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 बच्चा इस टाइम रिमेनिंग होगा हमारी मटकी में। ये जी प्लेट भर गई 10 बच्चों की, इतना सारा गोश्त, और इस टाइम मटके में इस टाइम एक भी बच्चा नहीं है। फिर गाइस मैंने आता 10वां बच्चा भी निकाल लिया, लेकिन बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चींटी क्या कर रही थी अंदर? तो यार उस चींटी के लिए ना हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर मोबाइल या कोपैक्स पाउडर डाल देते हैं ताकि कुछ भी ना कर सकें, जोती नहीं है यार, कहते मेरे बच्चे देख रहे हो मुझे जाने नहीं देता,
यार जल्दी जल्दी अंदर रखने पड़ेंगे, फीमेल बहुत टेंशन में हो रही है यार। असल में जिसके बच्चे होते हैं उसको तो टेंशन होती है ना भाई। देखे देखे देखने गई, ये देखें आप, ये देख रहे हैं कि मेरे सारे बच्चे ठीक है, किसी को कुछ कहा तो नहीं है, किसी को उठाया तो नहीं है, किसी ये देख रहे हैं मेरे हाथ, ऐसे लगता है जैसे भूत का हाथ हो और उसके अंदर से कपास निकाल रही हो, खा जाऊंगा। सही कहते हैं यार, चूंटी का बड़ा खौफ होता है। अब इतनी सी थी, इतनी सी, और मुझे ऐसे फुल परेशान कर दे कि यार ये चींटी इस मटके में क्या करने गई है। चींटी तो तब भी जाती है जब और अब हम जा रहे हैं होटल लेने, और ये देखें। तो यार गाइस ये मैंने बहुत ही कीमती चीज़ उठाई है, तो ठीक है यार चलते हैं, बस काफ़ी देर हो गई यार, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, फिर रोज़ा खोलना होगा, बहुत सारे काम होते हैं यार। एक मिनट सर, कोकटेल जो मैं लेने जा रहा हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ ना ले आए ताकि जिसको जब भी मेरा दिल करे उसको जिपा करके खा सको। कोकटेल तो हराम है ना यार, कोई हलाल का बाड़ ना ले आए, जैसे कोई टर्की बाड़ हो गया। अगर फिलहाल हमें बात हो गई है तो आप जाना तो पड़ेगा हमें, तो कोकटेल लेते हैं फिर कुछ सोचेंगे। चलो यार चलते हैं। अर्जुन के पास ना काफी सारे कॉकटेल खड़े हुए हैं, बड़े बड़े, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, इन्होंने यार वही वाला मटके लगाए हुए हैं जो मैंने अपने रैबिट्स के लिए नहीं रखे हुए, इन्होंने बस आगे से सुराख किया हुआ है, मेरा ऊपर से सुराख है। बहुत सारे इनके पास कॉकटेल है, लेकिन हमने इनमें से कोई भी नहीं लेना, हमने लेना ये वाला यार, ये जो यहाँ पर इन्होंने अलग करके ठहराए हुए ना, दो वाले पीस यार। हमने इनमें से ना एक मेल पकड़ लिया, अभी फीमेल इसके अंदर बैठी हुई है, ये बहुत ही खूबसूरत है यार, लेकिन ये काटता भी होता है, कॉकटेल काटते हैं हमेशा। तो यार इसको थैली में डाल लेते हैं, फिर दूसरा पकड़ते हैं। अब यार जी आपने ना कोकटेल की ब्रीड दिखा रहे हैं, इनका एक पेयर बैठा हुआ है यहाँ पर, ये देखें यार इसकी कितना प्यारा बच्चा होता है यार, ये देखिए अभी छोटा सा है और उसके सर पर ताज आना स्टार्ट हो गया है। तो यार इंशाल्लाह हमारे भी कोकटेल ऐसे बच्चे देंगे। ये देखें चार बच्चे इसने दिए, मैं कहते हैं पांच दिए थे, इनमें से एक मर गया, देखें एक ये देखें यार कितना बड़ा है बहुत प्यारे बच्चे यार। तो यार गाइस फाइनली हम आप घर आ चुके हैं यार, बहुत ही देर लग गई। तो यार मैं ले आया हूं भाई ने कहा था इसको फौरन जाके खोल देना, क्योंकि यार वो बर्ड्स के बारे में ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बर्ड्स जितने हैं सर वो भाई उससे भी ज्यादा सेंसिटिव है, तो मैंने ऐसे फौरन उसे छोड़ दिया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूं यार। तो यार गाइस यहां पर मैंने छोड़े हैं कॉकटेल, ये देखें अब मैंने इनमें डंडा भी लगा दिया, खुराक भी रख दिया, पानी भी रख दिया, ठीक है ना। और यार ये माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं गाइस, ये चेक करो यार, इतना खूबसूरत तो मैं भी नहीं हूँ यार। काफी सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि यार भाई आप ताज वाला तोता ले आओ, तो यार ये आपका ताज वाला तोता आ चुका है, ये देखें इन दोनों के सर पर ताज है ना। अभी यार ये बच्चे हैं, जैसे जैसे ये अडल्ट होते जाते हैं ना, इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं यार। गाइस हम ये देख के लाए कि इनमें से एक मेल होगा एक फीमेल होगी, अगर प्यार ना निकल तो अदरवाइज हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो यार इन्हें मैंने अभी इस वाले पिंजरे में छोड़ दिया, इनका या तो हम यार अभी न्यू आया ना, इसलिए बेचारे बहुत डर रहे हैं। देखे 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 दूध की तरह, सही कह रहा था मैं, बिल्कुल दूध की तरह होते हैं ये यार, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं यार। व्हाइट कलर का मेरे ख्याल में मेरे पास बजी थे और कोई भी व्हाइट कलर का तोता नहीं था, अब यार मेरे पास कोकटेल आ गया ऐसे ताज वाला सर पर ऐसे ताज। यार गाइस अभी ना ये बहुत ही ज्यादा डरे बैठे हैं, देखे ना आप, यानी कि वो डर रहे हैं कि यार ये हमें कहाँ पर लेके आ गए हैं। तो यार मैं ऐसा करूंगा आपको ना, कल के ब्लॉग में ना इनका सही तरीके से मुजायजा करवाऊंगा कि ये कैसे हैं, कैसे कैसे। फिर हम ऐसा करेंगे फ्राइडे तक को कह देंगे पता लगाओ फ्राइडे के ये ताज बना तो बना कब और कैसे, सब कुछ इनका पता करेंगे। लेकिन अभी यार इनको अभी यही पढ़ाने देते हैं, थोड़ा इनको रेस्ट करने देते हैं। मेरी फौजी बुक डाली, हालांकि मैंने से बहुत सारा बाजार डाला हुआ था, लेकिन फिर भी ये बुक है, ये सर मैं इंजॉय करना चाहती हूँ। ये कहती मुझे बाहर निकालो, मुझे अंदर ना ठहराओ, बाहर निकालो। तो आ जाओ यार बाहर आ जाओ, ओए ओए बंदे बनो यार आराम से। फिर मैंने डॉग की गए ना आलू के छिलके, जैसे सब कुछ इन्होंने चट कर दिया, कुछ भी नहीं बचाया, रोटी बचाई और वो भी तीनों खा रहे हैं कि जल्दी करें इसे खत्म करें, फिर नई चीज मिलेगी हमें। बड़ी स्पीड से खाते हैं, जिसके बच्चे हैं वो तो खा नहीं रही, जिसके भी बच्चे हैं ये भी नहीं खा रही, बाकी जिनके बच्चे नहीं है वो आराम से दोनों बैठ के खा रहे हैं। तो यार कहते हैं ये भी बच्चे देने वाले, बस बहुत ही जल्द ना बच्चे दे देगी ये। यार आज ना आपको एक और थोड़ा सही नजर आ रहा होगा, क्योंकि यार वहां से ना सूरज ठहरा हुआ है, वो कहता है मैं अभी नहीं जाता यार, मुझे देर है अभी, मैं देर से जाऊंगा। यार मछलियां अगर चाहे ना तो उस साइड पर जा सकती हैं, लेकिन ये फिर भी धूप की रोशनी लगवा रही हैं, धूप पसंद है। ये बड़ी कूल लगती है जब ये चलती है ना, अभी देखना आप, ये देखें आगे वाले विंग्स ऐसे ऐसे करती हैं, आए हाय, फिर इनको पीछे करती हैं, फिर ये देखें अब मुड़ेगी ना, देखना आप, ये देखें ये मोड़ काट रही है, देखना अभी ये देखें यूं गई, आए हाय आए हाय। मेरे सब्सक्राइबर तो माशाल्लाह यार जहीन है सारे यार, मुझे नहीं पता था कि यार कोकटेल इतना प्यारा होता है यार, जब मैं लेके आऊँ तब मैंने देखा कि यार इतनी खूबसूरती, मैं बस यही ले आया हूँ कि यार सब्सक्राइबर कह रहे हैं तो ले आऊँ, मैं ले आया हूँ तो माशाल्लाह यार ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो यार गाइस आज मैंने अपनी मुर्गियों को निकालना तो नहीं है, क्योंकि मैंने कल निकाला था और इन्होंने खाया भी था और मेरे साथ बातें भी की थी। यार ये एक ना मुर्गी इनमें से पता नहीं कौन सी थी, मुझे नहीं पता, कट 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 कर रही थी कि मुझे निकालो। आ तो सही बैठी हुई, तुम कर रही थी कट कट, तो नहीं कर रही थी, वरना इतनी शरीफ ना वाली बैठी होती यार। हाँ तुम कर रही थी कट कट, यार वो कहती है मैं नहीं कर रही थी, वो कहती है मैं नहीं कर रही थी। अच्छा यार आपस में बातें कर रही होंगी, आपस में बातें कर रही होंगी ना, इसीलिए मुझे लगा कि मेरे साथ कोई बात कर रही है। वो आपस में बातें करती रहती है यार, वो अपने हालात सुनाते रहते हैं, वो अपने हालात सुनाते रहते हैं जिंदगी की। ये ना आपस में बात कर रही थी, मैं वहां से आया, मैंने फिर ना इनकी बात सुनी, मैंने कहा देखता हूँ आपस में बातें करती क्या है। यार वो पता है उसको क्या बता रही थी ग्रे वाली, वो कह रही थी कि जब हमें छोटी थी ना इतनी सी, तो मेरे साथ ना मेरे 10 बहन भाई थे, फिर अब वो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं उनको ढूंढना चाहती हूँ। देखें अब ये इसके प्लान है।
यार गाइस हमारी पिजन की फीमेल बहुत अच्छी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मेल के साथ प्लान रखती है, बातें करती है, बाकी किसी के साथ भी बात नहीं करती। ओ यार इसने पता क्या करना स्टार्ट कर दिया है, अब मैं इसके साथ मोबाइल लेके जाता हूँ ना, ये ना मोबाइल को नाटने की कोशिश करती है। ये देखो यार पहले नहीं करती थी, अब मेरे ख्याल में बच्चे निकलने वाले हैं ना, इसलिए यार इसको ना अंडों को भी फुल टाइम देना पड़ता है, और अब ये बैठी रहती है आराम से, मोटी ना हो तो। यार फीमेल्स को मोटी का उन्हें गुस्सा तो आ जाता है, इसे क्यों नहीं आ रहा? हट मोटी। ओ क्या यार गुस्सा आ गया। ओए तुम्हें भी गुस्सा आता है यार, हालांकि मैं दूर ठहरा हुआ फिर भी उसने यूं कर दिया मुझे कि मोटी ना बुलाना। यार गाइस हमारे इस पिजन के भी बच्चे निकलने वाले हैं, जिस दिन हमारी ग्रे मुर्गी के बच्चे निकलेंगे ना उसी दिन इसी के बच्चे निकलेंगे, क्योंकि इन दोनों को मैंने एक ही दिन में बिठाया था, 23 मार्च करार दादे पाकिस्तान, इन दोनों को बिठा दिया था मैंने अंडे को। अब देखते हैं करार दादे पाकिस्तान तो पास हो गई, ये दोनों बैठ गई, अब करारदार पर अमल भी करती हैं, करारदार को ऐसे रिजेक्ट कर देती हैं। भाई वो देखिए मैंने सॉफ्ट फूड रखी है प्याली के अंदर थोड़ी देर पहले, और वो उसे खा रहे, अभी खा रहा था यार, मैं आपको दिखाने लगा हूँ, जैसे मैं बोलना स्टार्ट किया ना वो पीछे चला गया, अभी खा रहा था बैठ के, बाजरा भी खत्म हुआ पड़ा है। ओ तुम इतना बाजरा कैसे खा लेते हो हैं? हालांकि यार आज मैंने इतने सारे सॉफ्ट फूड भी डाले, मैंने कहा बाजरा के ना थोड़ी सी डालना पड़ेगा, सॉफ्ट फूड देखते हैं। आय हाय 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 चट कर दिया भाई तुमने तो, और बिल्कुल शफाफ कर दिया प्लेट, इतने सारे सॉफ्ट फूड देते इतने शफाफ कर दिया, तो मुंह नजर आ रहा होगा, रुके मैं देख के जो बताता हूँ। नहीं आ रहा यार, कल जब मैंने लेके आया ना तो ये सॉफ्ट फूड नहीं खाती थी, यानी कि मैंने से रखे इन्होंने नहीं खाया, अब ये बच्चे ना इसलिए थोड़े से आपको ना बुरे लग रहे होंगे। रोटी को नहीं होता यार, रोटी को ऐसे मकोल मकोल के वो भी रखी है, गंदम तो इसने नहीं खाया आज भी, लेकिन इसने ना रोटी के यार जो टुकड़े ना ये बहुत ज्यादा थे, इसने बहुत कम कर दिया। यार जब मैं बकायदगी से देता रहूंगा ना सॉफ्ट फूड, सब कुछ खाना स्टार्ट कर देगी, आज देखे इसने पहले चीज को मुंह मार लिया ना, एक मटकिया और उसके ऊपर तकरीबन 70 फसड़ी बैठी होती है, जितनी बैठ सकती है ना बैठ जाती है, देखिए उसके अंदर चली जाती है जैसे बड़ी ट्रिपिया। लाभ बाढ़ भी ना हम अपने न्यू लेके आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मेरे लाभ बुड्ढे हो चुके हैं भाई, किसानों का ये हाल पता क्या होता है, इसको देखे पड़ा हुआ है, उसको देखे पड़ा हुआ है, उसको देखे पड़ा हुआ है, यार ये हाल होते हैं हमारी वलीमा खाने के बाद, इसीलिए ना मैंने भी आज इन्हें बहुत कुछ डाल दिया ना, मुख्तलिफ किस्म की चीजें इन्होंने खाई हैं, और अब ये कोई यूं लंबा हुआ पड़े, कोई यूं लंबा हुआ पड़े, इसको जहां पर सूटेबल लगे ना वो वहीं पर पड़ा हुआ है बस। यार गाइस ड्राइवर के बच्चे हमने जाते हुए चेक किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह यार सारे के सारे बच्चे ठीक थे, 10 के 10 बच्चे हमारे ठीक थे, अब ये हमारे नाइस फीमेल के बच्चे देने वाली है ना, वो भी दुआ करें यार 5-6 बच्चे थे, फिर हमारे तकरीबन 16-17-18 बच्चे हो जाएंगे। तो देखिए गाइस आज के लोग यहीं पर करते हैं, और आपने बताया कि मेरे ड्राइवर के बच्चे आपको कैसे लगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सही बोला है ना।